हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा क्लास थर्ड होगी जो, और थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम क्विक क्विक एक टाइप का हम रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, जिससे कि अगर आप ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सूना सूना ना लगे, सुना सुना लगे। ठीक है, सो क्विक रिकैप क्या है, अभी तक हमने क्या देखा था। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस को देखा था, सिर्फ बेसिक्स, टूल्स एंड टर्मिनोलॉजीज हमने देखा था। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, और उसमें तीनों टर्म्स को हमने अच्छे से देखा था, इन तीनों के एक्सप्लेनेशन देखे थे। फिर हमने थ्योरी को समझा था कि थ्योरी क्या होती है और फिलॉसफी से ये डिफरेंट कैसे होती है, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। और इंट्रोडक्शन अब दे दिया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एंशंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ने वाले हैं, ये मैंने बोला था आपको। एंड उसमें भी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपने जो थिंकर हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि दो आपके थिंकर्स हैं, दो थिंकर्स हैं गाइस। कौन कौन से हैं इसमें दो थिंकर्स, अगर आपको ध्यान है, अगर आपने थोड़ा भी रिवाइज किया है तो आप बता देंगे। जो फर्स्ट हमारा थिंकर है वो है प्लेटो, ठीक है, एंड सेकेंड जो थिंकर है एरिस्टोटल। ठीक है, टॉपिक नंबर 10th है गाइज ये, अगर आप लोग सिलेबस से ढूंढना चाह रहे हैं तो 10th टॉपिक है गाइज ये, 10th टॉपिक ऑफ पार्ट ए, टॉपिक नंबर 10, 1A। 1A क्या है, पार्ट, पेपर वन ऑफ पार्ट ए। ठीक है, पेपर वन है और उसमें पार्ट ए है। सो गाइज, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हम अपना। एंशंट पॉलिटिकल थॉट, ये हमारा अब होने वाला है। ठीक है, हमने देखा था गाइस कि जो पॉलिटिकल थॉट है हमारा वो तीन भाग में बटा हुआ था, तीन भाग में बटा हुआ था, एंशंट, एंशंट मेडिवल एंड मॉडर्न, ये था। ठीक है, और इसमें हम अब इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, एंशंट प्लेटो एंड एरिस्टोटल, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशंट पॉलिटिकल थॉट। तो गाइस, एंशंट पॉलिटिकल थॉट का दूसरा, अगर कोई बोले दूसरा नाम, तो क्या है गाइस, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब ये बात आती है कि एंशंट पॉलिटिकल थॉट को ग्रीक पॉलिटिकल थॉट ही क्यों बोलते हैं। सो गाइस, इसका सिंपल रीजन है कि जो ये फर्स्ट डेवलपमेंट कुछ भी हुआ है पॉलिटिकल साइंस के में, ठीक है, वो आपका वेस्ट वेस्ट में इस टाइम पे हुआ है। ठीक है, वेस्ट में पॉलिटिकल साइंस में इस टाइम पे ही जो फर्स्ट टाइम किसी ने बात करना शुरू किया कि क्या होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, कैसा होना चाहिए। अभी हम सब बात करेंगे कि क्यों ऐसा वहीं क्यों हुआ और कहीं नहीं हुआ, इसके भी सबके रीजन आपको पता चलेंगे। ठीक है, बट जो फर्स्ट थ्योरी, थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत डिस्कशन शुरू हुए वो स्टेट पे आपके, ठीक है, वो गवर्नेंस पे, ठीक है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, वो ये सब जो बात शुरू हुई ये सब वहां आपके एंशंट ग्रीस में स्टार्ट हुई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, GPT, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं एंशंट पॉलिटिकल थॉट। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, अगर आपको ग्रीक पॉलिटिकल थॉट समझना है गाइस, तो सबसे पहले हमें वहां का सोसाइटी के बारे में समझना होगा कि आखिर वहां की सोसाइटी क्या थी। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि वहां का पॉलिटिकल थॉट कैसा था, क्योंकि अगेन यार गाइस, अगर आपकी सारा कुछ जो थॉट्स होते हैं वहां की सोसाइटी पे डिपेंड होते हैं। आप खुद बताओ, अगर आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग पे है लेट अस से, अगर हम एक फैमिली को एक अपनी यूनिट माने, ठीक है, तो इफ वी बिलोंग टू कंजर्वेटिव फैमिली, बहुत सारे हम में से होंगे जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो उनके थॉट्स में आपको क्या एक्सप्रेशन दिखेगा, एक कंजर्वेटिव थॉट मिलेगा। ठीक है, अगेन वो फैमिली का इंपैक्ट क्योंकि पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली क्या बोलते हैं, अगर आप लोग की फैमिली बहुत लिबरल है, ठीक है, तो लिबरल है तो आपको कौन सी वैल्यूज का ज्यादा दिखेगा, आपको लिबरल आपके थॉट्स होंगे। समझ में आ रहा है क्यों इंपैक्ट बहुत पड़ता है सोसाइटी का, आपने देखा कि ये कैसे पड़ता है। इसीलिए सिमिलरली हमें वहां की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। इसका सिंपल आंसर ये है क्योंकि सोसाइटी का वहां की लोगों पे सोच पे बहुत डिपेंड बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो फिलोसफर्स हैं उनका हम देखेंगे, जो प्लेटो एरिस्टोटल थे, इन्होंने तो स्टार्टिंग ही इसलिए करी कि इनकी सोसाइटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इन्होंने बोला अब बस भाई, अब पानी कहते हैं ना नाक के ऊपर से जा रहा है, तो इन्होंने फिर स्टार्ट किया। ठीक है, एक वॉर हुआ था गाइस, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, पीपी वॉर आप याद रखो।
इस वॉर में जो एथेंस था, ठीक है, एथेंस बहुत अच्छा स्टेट था ये, और एक इसका राइवल स्टेट था स्पार्टा, ठीक है, तो स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, ठीक है, स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, और बस एथेंस के लोग का भाई, एथेंस के लोग का दिमाग खराब हो गया, उनमें से भी कुछ लोग थे प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब, और इन्होंने बात करने लग गया कि बाबा कुछ तो गड़बड़ है, अब हम बताएंगे गड़बड़ क्या है। इन्होंने डॉक्टरी स्टार्ट करी और इन्होंने अपना डायग्नोसिस करा और अपनी कहते हैं ना थ्योरी देना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से कहानी स्टार्ट हो गई। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायग्नोसिस की स्पेलिंग गलत है, इसे मैं अभी सही कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं हमें सोसाइटी का मतलब क्यों जानना जरूरी है, सोसाइटी को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंशियंट ग्रीक सोसाइटी, तो एंशियंट, ठीक है, ग्रीक सोसाइटी, ठीक है, इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझते हैं, तब हमें दिखेगा कि थॉट वहां का कैसा था। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वहां का, ठीक है, कि वहां की जो पॉलिटी थी, वहां की सोसाइटी थी, वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड थी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड से आप क्या समझते हैं कि एक के हाथ में पावर नहीं थी, ठीक है, पावर बहुत सारे नीचे लेवल्स तक पे लोगों पे थी, आप समझ रहे हैं, हर बंदा इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक हो गई आपकी नीचे क्या पंचायती राज PRI या जिसको उसको कहते हैं थर्ड टायर या लोकल बॉडीज, ठीक है, और इसमें भी आपका कौन सी म्युनिसिपल बॉडीज हो गई, म्युनिसिपैलिटी हो गई, फिर इसमें आपकी पंचायत हो गई, और ये सिटीज के लिए हो गई, और ये विलेजेस के लिए हो गई, ठीक है। तो इस टाइप का एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, नॉट एग्जैक्टली ये तो मैं इंडिया के कंटेक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, बट इस टाइप का सिस्टम था, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था गाइस, समझ में आ रहे हैं। तो ये चीज थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या था कि वहां पे जो यूनिट थी, जैसे यहाँ पे यूनिट होती है आपकी क्या नेशन, एक यूनिट थी, हम जानते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिफरेंट एंटिटीज है, ठीक है, वहां पे क्या होता था कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सिटी स्टेट्स होते थे, ठीक है, और जितनी भी वहां कोई ग्रीक जो ऐसे था वो कोई एक आइडेंटिटी ऐसे नहीं थी कि ये पर्टिकुलर एक ग्रीस हो गई, ना 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 ना, ये चीज एग्जिस्ट नहीं थी वहां पे। छोटे छोटे एथेंस हो गया, ये एक अलग शहर, ठीक है, ये आपका स्पार्टा हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे थे। और एथेंस वर्सेस स्पार्टा का जो मेन वॉर है गाइज, आपने 300 मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो गाइज वो इसी के वॉर पे बेस्ड है, प्लीज इसे देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है ये, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। 300 आप जरूर देखिएगा, ठीक है। सो ऐसे थी। तो वहां पे क्या पॉलिटिकल यूनिट था गाइज सेकंड पॉइंट में, कि सिटी स्टेट वॉज पॉलिटिकल यूनिट, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी भी लॉयल्टीज थी लोगों की वो किस पे थी गाइज, वो सिर्फ सिटी स्टेट तक थी। पीपल वर ओनली लॉयल टू सिटी स्टेट्स, ठीक है गाइज, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये था सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, कोई हमसे पूछे कि एक बात बताओ यार, अभी तुम वेस्टर्न की बात कर रहे हो, जरा इंडिया का भी बताओ उस टाइम क्या था। तो उस टाइम इंडिया में क्या होता था, इंडिया में विलेज रिपब्लिक्स टाइप की थी, ठीक है, विलेज रिपब्लिक्स, जो आपकी जिस टाइप की महाजनपद इस टाइप की इंडिया में एग्जिस्ट उस टाइम करती थी, ठीक है, महाजनपद टाइप का, इस टाइप का था, ठीक है। तो रूरल पे ज्यादा फोकस था हमारा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। हालांकि ये तो मैं जस्ट बता रहा हूं, ऐसा कुछ ये अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है कि वहां की जो सोसाइटी थी, वहां के लोग कैसे थे। तो जो ग्रीस के जो पीपल थे, ग्रीक पीपल, ठीक है, ये लोग बहुत ही एथनोसेंट्रिक थे। अब एथनोसेंट्रिक वो बंदा होता है जो अपने आप को सुपीरियर समझता है, रेशियली सुपीरियर समझता है नॉन ग्रीक से, रेशियल सुपीरियर, RIOR, ठीक है, रेशियल सुपीरियर। सो ग्रीक्स में ऐसी फीलिंग थी वो लोग, तो इसीलिए जब ऐसी फीलिंग थी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कुछ लोग अपने आप को हाई समझते थे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग भी उनको लो वो लोग समझते थे, तो इन पे वो लोग अत्याचार करते थे, तो ऐसे लोग को वो लोग स्लेव्स बना लेते थे। तो इसीलिए क्या वहां पे प्रिवेलेंट था, स्लेवरी वॉज डोमिनेंट, या स्लेवरी वॉज प्रिवेलेंट ग्रीक सोसाइटी में, ठीक है, स्लेव्स होते थे।
वहां पे स्लेव्स की जो प्रथा थी ये कंटिन्यू थी, ठीक है, इंडिया में भी थी, बट अब तो खैर बैन हो गई है, अब तो शायद ही बहुत थोड़ी जगह ही होगी, या इनफैक्ट शायद ही कहीं होगी, बट मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो स्लेव्स वहां पे थे, ये भी हमने देख लिया। और स्लेवरी को गाइस अभी हम आगे देखेंगे नेचुरल माना जाता था, ठीक है, कि भाई ये तो नेचुरल है, तुम तो गरीब परिवार में है, तुम तो नॉन ग्रीक में पैदा हुए हो, तुम्हें तो स्लेवरी बनना है, ठीक है, नेचुरल और यूजफुल, ठीक है, नेचुरल और यूजफुल, और ये यूजफुल भी थी स्लेवरी। आगे हम देखेंगे कैसे वो ये यूजफुल थी, ये अभी हम पढ़ेंगे मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, तब हम बात करेंगे कि कैसे जो स्लेव्स है ये जस्टिफाई करते हैं कुछ लोग, ये आपके प्लेटो एरिस्टोटल इस टाइप के लोग, कि भाई ये स्लेवरी बिल्कुल सही चीज होती है, ये यूजफुल होती है, अभी हम आगे देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा पांचवा पॉइंट हम बताएंगे कि जो सोसाइटी थी गाइस वो कैसी थी, वो आपकी पैट्रियार्कल थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब अगेन अ सोसाइटी विच इज डोमिनेटेड बाय मेल, वहां पे मेल डोमिनेशन था, ठीक है। जब इतनी हार्ड सोसाइटी होगी, इतना हार्ड जो आपके रूल्स है वहां के, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इनइक्वालिटीज भी होगी, तो हाई इनइक्वालिटीज ये भी प्रिवेलेंट था वहां पे, आप समझ रहे हैं, सोसाइटी में इस टाइप का था, रिच रिच होते जा रहे थे और पुअर पुअर होते जा रहे थे, तो ये गैप जो है, ठीक है, ये बढ़ते जा रहा था। तो रिलेटिव पॉवर्टी, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं ना, इंडिया में पॉवर्टी तो कम हो रही है पर रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है। जो बंदा आज से दस आज अगर लेट से एक्स रुपीस कमाता था और ये अमीर था, ठीक है, और ये गरीब था, कोई वाई कमाता था, तो ये वाई बहुत कम कमा रहा है, ठीक है, वाई थोड़ा सा कमा रहा है ज्यादा, बट एक्स बहुत ज्यादा कमा ले रहा है, तो इसकी वजह से जो एक्स माइनस वाई है, ठीक है, जो डेल्टा, ये चीज बढ़ती जा रही है, इसी चीज को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो वहां रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ज्यादा होने लग गई थी, इनइक्वालिटी ज्यादा होने, और इनइक्वालिटी जब भी ज्यादा होती गई तो आपको पता है क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये सबको पता है कि जो मेन रिवॉल्यूशन के कॉजेज हैं ये इनइक्वालिटी की वजह से होता है, और यही जो मेन लाइन है गाइस, ये हम पढ़ेंगे, ये प्लेटो एरिस्टोटल, इनफैक्ट एरिस्टोटल की ही ये मेजर लाइन है कि रिवॉल्यूशन इज द मेन, इनइक्वालिटी इज द मेन कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ वहां की सोसाइटी के फीचर पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ आगे ये सब पढ़ने वाले हैं, तो अभी टेंशन मत लीजिए, अचानक से ये डेफिनेशन कैसे आ गई है, कहाँ से बीच में टपक पड़ा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया, सो स्लेवरी के बारे में भी बात कर ली हमने, हमने रेशियल सुपियोरिटी के बारे में बात कर ली, पेट्रियार्कल के बारे में भी बात कर ली गाइस। सो गाइस ये हमने क्यों पढ़ा, अगर तो एक टाइप का मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा था कि किस कंटेक्स्ट में जो फिलोसफर्स हैं वो आते हैं, तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की सोसाइटी थी, इट वॉज वेरी प्रोन टू रिवॉल्यूशन, ठीक है, इट वॉज वेरी टफ टू लिव देयर, वहां पे बहुत टफ हो गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा सोसाइटी में एक टाइप का आप करप्शन था, ये सब मतलब आप समझ रहे, सोसाइटी डिजेनरेट होती जा रही थी, डिग्रेड होती जा रही थी, ठीक है, वहां की, एंड बस यही होता है, एंड इस कंटेक्स्ट में हमारे पहला फिलोसफर आता है एंड अपनी थ्योरी देता है। तो प्लीज गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली प्लेटो, ठीक है, यहां से सिलेबस स्टार्ट है, अभी तक जो थी गाइस वो कहानी थी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अचानक से बोलता गाइस प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी तो आपको समझ में नहीं आता कि प्लेटो आया कौन कहाँ कहाँ से, ठीक है। सो प्लेटो आया, जो फर्स्ट मैंने आपको बोला था गाइस हम लोग क्या करने वाले, होमवर्क दूंगा मैं आपको कुछ, तो पहला होमवर्क है रीड अबाउट प्लेटो फ्रॉम, अब मैं फ्रॉम भी बताऊंगा गाइस, विकिपीडिया, सिर्फ विकिपीडिया के गाइस एक पैरा से दो पैरा पढ़ लो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है, तबीयत अगर आपको अपनी खुश करनी है तो विकिपीडिया के पढ़ लो, बस थोड़ा सा इसका देख लो, डेट ऑफ बर्थ देख लो, कब पैदा हुआ है, ये मैं जो बताता हूँ जनरली ये बीसी में हुआ है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट से पहले का है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के पहले का, ठीक है, जीसस क्राइस्ट से, ठीक है, ये पहले बीसी के, तो इसका आप डेट देख लो, क्या इसकी परिवार था, कैसा था, मतलब आप समझ लो, ठीक है, तो ये सब आपको खुद देखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप गाइज आप ये कर लेंगे। सो गाइज प्लेटो को अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, जो प्लेटो का इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ते हैं वो आपने आई होप पढ़ लिया होगा विकिपीडिया से, मेन मेन चीजें का पैदा हुए थे, तो मेन अब आता है प्लेटो का इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटो एज अ थिंकर, कि आखिर ये प्लेटो को एज अ थिंकर क्यों बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये हम पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। सो प्लेटो को गाइज हम लोग जो कहा जाता है इनको फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ पॉल पोलिटिकल
फिलॉसफी बोला जाता है। याद रखिएगा गाइस, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोला जाता है, ना कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस को बोला जाता है एरिस्टोटल, ये अभी हम आगे देखेंगे क्यों, बट अभी के लिए समझ लो पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर इनको बोला जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऊपर सोचा एंड बताया कि क्या चीज मिसिंग है। ठीक है, सो हम बात कर चुके हैं कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि आपका जो फिजिकल या फिजिक्स, ठीक है, वर्सेस फिलॉसफी के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं आएगा कि इनो ये इस डोमेन को बिलोंग करते हैं, फिलॉसफी वाले डोमेन को। ठीक है, स्पिरिचुअल बातें करेंगे थोड़ी, थोड़ा सा ये उठ के बात करेंगे। ठीक है, स्पिरिट, सोल, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जितनी भी इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है, वो थ्योरी का कोई ना कोई मेथड होगा। ठीक है, सो पहले उस मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी थ्योरी को। सो गाइस, इनकी इनका जो मेथड है, ठीक है, उस मेथड को बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, अभी आप लोग इसे समझ लीजिए, मैं इसको मार्कर भी चेंज कर देता हूं। सो इसका इनका जो नाम है, इस चीज का नाम है डायलेक्टिकल, DIALECTICAL, डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल मेथड। ठीक है, यही है डायलेक्टिकल मेथड। ठीक है, या इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। ठीक है, डायलेक्टिक्स मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, इस डायलेक्टिकल मेथड को हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर इसको एक और नाम है गाइस, क्या है इसका नाम, सोल सर्चिंग, या इस चीज को कहते हैं सोल सर्चिंग। अपने अंदर अपनी आत्मा से पूछो, जवाब सब वहीं पे है बाबा। ठीक है, ये इसको कहते हैं सोल सर्चिंग। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके मेथड को कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि ये मेथड इन्होंने कहां से लिया, तो गाइज ये मेथड जो इन्होंने लिया है, ये अपने इन्होंने भी तो भाई किसी के तो शिष्य रहे होंगे ये, तो इनका जो शिष्य थे वो थे भाई सोक्रेट्स। ठीक है, सोक्रेट्स, सोक्रेट्स ने प्लेटो को शिष्या दी, मतलब सिखाया कि जो भी मेथड है ये, वही ये मेथड जो थे, ये जो डायलेक्टिकल मेथड है, ठीक है, डायलेक्टिकल जो मेथड है, ये सोक्रेट्स ने प्लेटो को सिखाया। सो प्लेटो लर्न दिस फ्रॉम सोक्रेट्स, तो अब यही मेथड ये यूज करते हैं। ठीक है, ये आता है। सो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेटो पे किसका इन्फ्लुएंस है, तो गाइस प्लेटो पे इन्फ्लुएंस है अपने मास्टर का, क्योंकि इन्होंने जो भी सीखा गाइस वो अपने मास्टर से ही सीखा। ठीक है गाइस, एंड गाइस सोक्रेट्स को क्या बोला जाता है, सोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है गाइस, आप समझ पा रहे हैं अब? अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यार, अभी तो तुम कह रहे यार सोक्रेट्स प्लेटो है पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर, आप कह रहे हो सोक्रेट्स है। अरे मेरे भाई, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो फिलॉसफी देखो एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, फिलॉसफी इस दुनिया में सबसे वाइडेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी टर्म्स में चले जाओ, किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, ठीक है, उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है मेरे भाई, PhD होती है, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो मैथ्स में भी फिलॉसफी होती है, फिजिक्स में भी होती है, केमिस्ट्री में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, ठीक है, हर तरफ होती है। तो जो सारी बड़े बड़ी जो डोमेन है उसके जो फादर है, फिलॉसफी स्टार्ट करी वो आपके हैं सोक्रेट्स। ठीक है, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात किया, ठीक है, वो आपके फादर है कौन से, आपके जो है प्लेटो। ठीक है, ये है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंस है। यहां पे गाइज फिलॉसफी को ही जो बेसिकली सोक्रेट्स ने जो स्टार्ट किया था, उन्होंने एथिक्स पे स्टार्ट किया था गाइज, बेसिकली फादर ऑफ एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एथिक्स, ठीक है, फादर ऑफ एथिक्स। और एथिक्स भी एक फिलॉसफी जो ब्रांच है, ठीक है, मैंने कहा ना फिलॉसफी एनकम्पासेस एवरीथिंग, उसमें भी जो एथिक्स वाला पोर्शन है, इस पे जो था आपका सोक्रेट्स था, इस पे ज्यादा ध्यान था। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, ये सब कभी नहीं पूछने जाने वाला, बस मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ सके। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपने आपको बताया रेलेवेंट चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, रेलेवेंट चीजें। अब एथिक्स क्या होता है गाइज, तो एथिक्स हम सबको पता है गाइज क्या, व्हाट ऑट टू बी, ऑट कि भाई कैसा होना चाहिए, ये बताओ कैसा है, ये नहीं कैसा होना चाहिए,
कोई भी चीज गाइस। तो इसीलिए इन्होंने बोला, जब फॉर एग्जाम्पल है इंसान है, अब इंसान पे एथिक्स लगाओ कि इंसान तो लेट से बहुत बेकार है, ठीक है, बट कैसा होना चाहिए उससे तो बहुत अच्छा वैल्यू वाला होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट से होना चाहिए वो, इस टाइप की होनी चाहिए। तो पर वो है कैसा, वो बिल्कुल अपोजिट है, उसके अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं है, वो एक नंबर का करप्शन वाला इंसान है, ठीक है, ठीक है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, छुपाता है। तो अगेन वॉट इससे इन्होंने ध्यान बटाया, वॉट ऑट टू, पहली बार इन्होंने किया था ये सब कि ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ एथिक्स या फादर ऑफ फिलॉसफी। आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्यों इनको फादर बोला जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता था, इनसे पहले भी स्कॉलर्स आए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, ठीक है, लेट्स से अभी तक आए, ये टाइमलाइन देखते हैं, ये रहा सोक्रेट्स, ये रहा प्लेटो, ठीक है, ये रहा एरिस्टोटल, सब एक दूसरे के चेले हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनसे पहले एक टाइमलाइन खींचते हैं, इनसे पहले एक सोक्रेट से पहले ये बताता हूँ आपको टाइमलाइन, कुछ एक्स होगा, कुछ वाई होगा, कुछ जेड होगा, चलते आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, बट इन सब का जो फोकस था गाइस, ये जितने भी आपके हैं ये इनसे पहले वाले, ठीक है, इन सब का जो फोकस था, इन सब का जो भी फोकस था गाइस, ये जितने भी हैं ये, इन सब का फोकस किस पे था गाइस, इन सब का फोकस था व्हाट इज पे, कि भाई इंसान है कैसा, धरती है कैसी, सोसाइटी है कैसी, ये बताओ। बट सोक्रेट्स आए, सोक्रेट्स ने बोला ये बताओ है तो ऐसा, ठीक है, होना कैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, ऑट पे फोकस करा, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी। आई होप गाइज आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो फिलोसफर्स थे जितने भी, ठीक है, फिलोसफर्स क्या, वो लोग साइंटिस्ट थे बेसिकली, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई हम बने किससे हैं, हम एयर से बने हैं, हम वाटर से बने हैं, हम एक्स से बने हैं, हम एटम से बने हैं, वो इन सब में थे, दे वर गाइज एटोमिस्टिक, ठीक है, एटोमिस्टिक प्रॉपर्टीज में बिलीव करते थे। बट ये लोग कैसे थे, यहां से सोक्रेट्स ने स्टार्ट किया स्पिरिचुअलिस्टिक प्रॉपर्टी में, स्पिरिचुअलिस्टिक में बात करना शुरू करा इन्होंने, ठीक है, कि हमें होना कैसा चाहिए, हमारी लाइफ का मोटो क्या है, ठीक है, हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, ठीक है, हाउ लाइफ, हाउ वी ऑट टू लिव, टू लिव। आई होप गाइस आप ये समझ पा रहे होंगे, इसीलिए हम इनको कहते हैं, और इसके बाद से जो भी आए, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, सब ने सोक्रेट्स के ट्रेडिशन को अपनाया, ठीक है, इसीलिए ये सारे जो प्लेटो, एरिस्टोटल जो फिलोसफर्स है, ये सोक्रेटिक ट्रेडिशन के ही आपके पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार फिलॉसफी के बारे में बात करी, इन्होंने सबसे पहली बार क्या आपके व्हाट ऑट टू के बारे में बात करी। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। सो इसीलिए गाइज इन लोग को हम लोग कहते हैं, जो ये लोग हैं, जो आपके प्लेटो, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये लोग आपके सोक्रेटिक ट्रेडिशन में आते हैं गाइज, ठीक है, ये समझ लिया। इन लोगों ने गाइस इनके और इनसे पहले वाले जो इनके साथी थे उनमें डिफरेंस क्या था, अप्रोचेस में भी डिफरेंस था गाइस, ठीक है, जो इनसे प्री थे, यानी प्री सोक्रेटिक ट्रेडिशन, प्री सोक्रेटिक ट्रेडिशन, उसके जो फिलोसफर्स थे वो केवल ऑब्जर्व करते थे चीजों को, ऑब्जर्व करते थे और खट से थ्योरी मार देते थे, मार्केट में गिरा देते थे कुछ कुछ, ठीक है। पर इन लोगों ने कौन सी अप्रोच यूज करी, इन्होंने कहा ठीक है भाई ऑब्जर्व तो ऐसा कर रहे हो, कुछ रीजन भी होता है, ठीक है, और इन्होंने अपना लॉजिकल रीजनिंग करी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग करी इन्होंने, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग करके इन्होंने अपनी मार्केट में थ्योरी गिरा दी, ठीक है। तो इनका मेथड और इनके मेथड में भी आप डिफरेंस समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वन बिलीव्स इन ऑब्जर्वेशन एंड अदर बिलीव्स इन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और इसी मेथड को क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा है डायलेक्टिक मेथड, ठीक है गाइस आप ये समझ पा रहे होंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यस, तो हमने देखा कि कैसे सोक्रेट्स ने बोला कि क्या, कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि रैदर देन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या लाइफ, हमें लाइफ के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में बोला। इसीलिए वो अपनी पहली थ्योरी देते हैं सोक्रेट्स, जिसका नाम है क्या, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज।
अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई, अभी तो तुम कह रहे थे यार हम प्लेटो पढ़ रहे, अब अचानक से सोक्रेट्स की थ्योरी कहाँ से शुरू हो गई? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि प्लेटो ने अपनी सारी थ्योरी सोक्रेट्स से ही टेपी है, ठीक है? तो और सोक्रेट्स यूपीएससी में नहीं है, मैं चाहूं तो प्लेटो में स्टार्ट कर दूं, तो प्लेटो में भी आपको मैं पहले थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ाऊंगा, वहां आपको बोल दूंगा कि ये सोक्रेट्स ने दी है, ठीक है? तो आप समझ रहे, तो इससे अच्छा मैं आपको सोक्रेट्स का पहले क्रेडिट ना दे दूं, तो आप समझ में आ रहा है सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज है, वहां थ्योरी ऑफ नॉलेज आ सवाल आएगा, वो प्लेटो की भी सेम है एरिस्टो और सोक्रेट्स की भी सेम है, ठीक है? सो थ्योरी ऑफ नॉलेज दोनों की सेम है। सो फर्स्ट थ्योरी गाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है, वो है थ्योरी ऑफ नॉलेज। एक सेकेंड गाइस, थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ना पेन चलाने में दिक्कत हो रही है यार, पहली बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ पेन टैब पे, तो इसीलिए मेरी राइटिंग भी बहुत बुरी हो रही है और स्क्रीन भी बहुत छोटी सी है यार, और ये पैड भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाइस, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? डोंट वरी गाइस, हैंड रिटन नोट्स सबको मिल जाएंगे, आप नीचे गए जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है गाइस यूपीएस द बुक क्लब, सॉरी द बुक्स क्लब, क्लब्स, ये टेलीग्राम पे सर्च कर लो, एट द रेट आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो, मैं उसमें बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है? और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो लगेगा कि आपको क्लास में फील आ रही है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट टाइम वेस्टिंग, फर्स्ट थ्योरी है गाइस थ्योरी ऑफ नॉलेज। सो गाइस लेट अस स्टार्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है? थ्योरी ऑफ नॉलेज, एक सेकेंड एक सेकेंड, यस, थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसको हम बोलेंगे अब से टी ओ के, ठीक है? टी ओ के हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट थ्योरी है टी ओ के। सो थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, थ्योरी ऑफ नॉलेज में जो सोक्रेट्स ने दी, वो सोक्रेट्स ने क्या बताया कि नॉलेज जो होती है, देखो भाई, ठीक है, वो आपकी दो टाइप की होती है, नॉलेज दो टाइप की है, टू टाइप्स की होती है, एक होती है रियल नॉलेज, ठीक है, जो कि असली है, ठीक है, और दूसरी नॉलेज होती है इल्यूजन या रॉन्ग नॉलेज या फिर फेक नॉलेज या ये चाइना का माल, ठीक है? इल्यूजन, आप समझ रहे, ये लगता तो है कि ये रियल है पर ये रियल नहीं होती, ठीक है? एक्चुअली में ये बहुत ही इल्यूजन होता है, ये रॉन्ग नॉलेज होती है, आप समझ में आ रहा है रियल नॉलेज क्या होती है? तो अब आप पूछोगे तो चलो भाई फिर ये बता दो व्हाट इज रियल, वाजिब सवाल है, व्हाट इज रियल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि ये नॉलेज अचानक से कहां से आ गई, इन्हें नॉलेज से क्यों स्टार्ट करा? तो देखिए, इससे पहले एक और क्वेश्चन समझना हमें बहुत जरूरी है। सोक्रेट्स ने इस बात पे आर्ग्यू हुआ कि उसने पहले पूछा अपने आप से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, पर्पस क्या है हमारी जिंदगी का, हम क्यों आए हैं, ठीक है, इस वर्ल्ड में? तो उसने अपने आप को बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, बिल्कुल सही बात है गाइस, हम लोग खुश रहने आए हैं, आप भी खुश रहे, मैं भी खुश रहा हूं, सब खुश रहे, ये हमारा पर्पस है, ठीक है? अब भाई हमें हैप्पी लाइफ चाहिए, तो हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं? हैप्पी लाइफ जीने के लिए हैप्पी लाइफ की नॉलेज तो होना जरूरी है, ठीक है? और यहीं से आता है नॉलेज का, ठीक है? फिर उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या कि बाबा नॉलेज क्या है, अब तुम नॉलेज बताओ, तो फिर उसने बोलता है नॉलेज दो टाइप की है, एक रियल नॉलेज, दूसरी है इल्यूजनरी नॉलेज, ठीक है? अब देखिए, रियल नॉलेज और इल्यूजनरी नॉलेज, ठीक है? तो इल्यूजनरी नॉलेज क्या होती है, ये फॉल्स होती है, ठीक है, ये आपके ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, ये आपके बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है? और जबकि रियल नॉलेज क्या है, रियल मींस परमानेंट, ठीक है, फिक्स्ड, बिल्कुल स्ट्रांग, एवरग्रीन, ये नॉलेज है, ये कहते हैं परमानेंट नॉलेज, ठीक है? और जबकि जो आपकी फेक नॉलेज है, इल्यूजनरी नॉलेज है, वो आपके केवल ओपिनियंस है, वो आपके टेम्परेरी है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है? तो दो टाइप की नॉलेज होती है, ऐसा बताया। तो अब सोक्रेट्स ने ये बताया कि अब सोक्रेट्स से फिर पूछते हैं, ठीक है, कोई लोग कि एक बात बताओ यार सोक्रेट्स, ये ट्रू नॉलेज को हम पाएं कैसे, हाउ टू गेट ट्रू नॉलेज, ये भी समझा दो भाई बा। तो वो क्या बोलते हैं कि कहीं मत जाओ, सिंपल अपने अंदर जाओ, गो इनवर्ड्स, अपने सोल से पूछो, ठीक है, सोल को सर्च करो, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं सोल सर्चिंग। और इस मेथड को वो बोलते हैं क्या गाइज, अभी हमने पीछे पढ़ा है मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, एमओडी, एमओडी पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे आज भी ध्यान है, जब हम क्लास 11th में थे तो एक चैप्टर आता था एमओडी,
मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स, आई होप गाइस आपको याद आ रहा होगा। खैर यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है, ये सोक्रेट्स ने दिया। अब मेथड ऑफ डायलेक्ट्रिक क्या है, सोल सर्चिंग है, तो कैसे करें, ठीक है, ये आता है। तो इस मेथड को जो सोक्रेट्स ने बोला कि इस मेथड को हम डिबेट भी बोलते हैं एक टाइप की, ठीक है, डिबेट मतलब सर जो सच है, जो ट्रू नॉलेज है वो अंदर आएगी अगर हम अपने आप से डिबेट करें, अपने आप से क्वेश्चन करो, ठीक है, क्या मैं सही जा रहा हूं, ठीक है, कि अगर मुझे इधर जाना है फिर इधर के पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, इधर के पॉजिटिव्स इधर के नेगेटिव्स क्या क्या हैं, देन अपने आप पता लगेगा, अरे इधर 5 नेगेटिव है इधर 4 पॉजिटिव है तो लेट से इधर जाओ। तो इस टाइप से सोक्रेट्स बताते हैं गाइस, ठीक है। तो जो भी उनकी थ्योरीज है, इनफैक्ट जितनी भी है वो सब डायलॉग्स के फॉर्म में, ठीक है, वो बैठाते हैं, वो 3-4 लोग को बैठाते हैं एक टाइप का, ठीक है, और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी ई, और वो खुद यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का काम क्या है गाइस, डिस्कशन करना, ये स्पीकर बैठता है और फिर पार्लियामेंट तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, फिर तुम्हारे पॉजिटिव तुम्हारे नेगेटिव है, ये ऐसे एक दूसरे को काट पीट के, और जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छी चीज आती है, वो अलग बात है गाइस। हमारी पार्लियामेंट में कुछ और ही होता है, जूते चप्पल चलते हैं बट वो ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। सो डायलेक्टिक्स इज अ मेथड ऑफ डिबेट, ठीक है, इट्स अ मेथड ऑफ डायलॉग, इट्स अ मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि डायलेक्टिकल मेथड क्या है, ठीक है। इसीलिए सोक्रेट्स बोलते हैं, ये सोक्रेट्स की लाइन है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, कि डायलेक्टिक्स इज अ प्रोसेस थ्रू विच आवर बिलीव्स, ठीक है, गेट फिल्टर्ड, ये आपका फिल्टर लगा होता है, ठीक है, इसमें से कंकड़ पत्थर बाहर हो जाते हैं, और जो उसके बाद आता है ये आती है ट्रू नॉलेज, ठीक है, एंड वी कैन अलाइव एट ट्रू नॉलेज, ठीक है, ये आपको समझ में आया, ठीक है। बिलीव्स जो जितने भी हैं, क्योंकि अब जो वो बंदे बैठे थे सबके कुछ ना कुछ बिलीव्स थे, अपने अपनी विचारधारा वाले आए थे, बट जब एक दूसरे से वाद विवाद हुआ, ठीक है, डिबेट हुआ, तो किसी ने रियलाइज किया कि हाँ यार मैं गलत बोल रहा था, तुम्हारा पॉइंट सही है, ठीक है, बट तुम भी ये गलत बोल लेते, तो उसने बोला हाँ, ऐसे ऐसे करके कुछ डिराइव हो गया, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वो अपने बिलीव्स को छोड़ना ही नहीं चाहते लोग, अब वो मान के बैठे हैं मैं सही हूं तो सही हूं, वो सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए क्या होता है, फिर बहस होती है और फिर वो जूते चप्पल चल जाते हैं और कुछ और ही हो जाता है वहां पे, और बिल्स नहीं पास हो पाते। बट करेक्ट, आपको समझ जो फील आ रही है, आखिर डिबेट का मतलब क्या होता है, डिबेट का मतलब ही यही है भाई, जब एक बोल रहा है दूसरे को तो चुप ही बैठना है, ठीक है। और न्यूज चैनल पे क्या होता है भाई, वो तो अलग ही होता है, ठीक है, अगर आपने न्यूज चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। खैर, तो डायलेक्टिक्स भी हमने समझ लिया कि मेथड ऑफ डिबेट होता है एंड कैसे हम इस पे ट्रू नॉलेज पे अराइव करते हैं। इसीलिए डायलेक्टिक्स की एक इक्वेशन भी होती है जिसको अब हम इन डेप्थ में समझते हैं। इस इक्वेशन को कहते हैं थीसिस एंटीथीसिस आर्ग्यूमेंट, एंटीथीसिस आर्ग्यूमेंट। ये क्या है गाइस, ये कुछ नहीं है कि थीसिस एंटीथीसिस का मतलब है एक जना कुछ पॉजिटिव, ठीक है, हम पहले पॉजिटिव को एनालाइज करें, फिर उसके नेगेटिव को एनालाइज करें, और फिर दोनों से मिलके कुछ कम करके कुछ एक फाइनल रिजल्ट पे आ जाए, जिसको कहते हैं हम क्या, सिंथेसिस। ये बस यही है, ठीक है, एक टाइप को बस रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा बोल दिया इन्होंने, थीसिस एंटीथीसिस है कुछ नहीं, बस ये है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये है काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कोई भी इशू ले लो यार, फॉर एग्जाम्पल लेट से डायलेक्टिक करना है, मैं अब हम डायलेक्टिक्स करते गाइस, जस्ट अ सेकेंड, एक नया पेज लेते हैं फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि लेट से स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 ये सच है या ये अच्छा है, गुड और बैड, चलो गुड और बैड, तो इस पे करते हैं डायलेक्टिक्स। तो सबसे पहले, ठीक है, अब हमें अपने आप से पूछो, ठीक है, इसमें गुड क्या क्या है, आपने ए बी सी डी इतने सारे पॉइंट बता दिए, ठीक है, बैड क्या क्या है, अब बैड को भी सुनना है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो हमने देखा कि गुड इज मोर देन बैड, ठीक है, तो हमने कुछ चीज सिंथेसाइज कर ली, ठीक है, अब कुछ सिंथेसाइज कर ली तो एक नया चीज आ गया, ठीक है, अब वो हमने स्क्रैप कर दिया, बट अब स्क्रैप करके कुछ, फिर हमने इसके कुछ देखे गुड पॉइंट्स, ठीक है, फिर हमने इसके कुछ बैड पॉइंट्स देखे, तो गुड ज्यादा था, फिर हमने ऐसे बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली सो गाइस इस तरीके से आप कंक्लूजन्स पे अराइव हो जाते हैं, ठीक है। और जो ये डायलेक्टिक्स होता है इसमें मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, मैक्स स्टेक होल्डर्स आते हैं, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको व्यू पॉइंट मिले। देखेंगे अभी हम जितनी भी अभी प्लेटो की, एक प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है,
उसमें तो वो खुद पता है जस्टिस नहीं देते, वो जाते हैं पूछते हैं एक बूढ़े आदमी से, बताओ तुम जस्टिस क्या है, फिर एक उसके बच्चे से सन से पूछते हैं बताओ तुम जस्टिस क्या है, फिर वो एक एक और एक टीचर के पास जाते हैं बताओ तुम जस्टिस क्या है, ठीक है ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर फाइनली वो इन सब के कंबाइन करके इन सबको पॉजिटिव नेगेटिव मिला के अपनी टीओजे देते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसीलिए गाइस जो डायरेक्टिकल मेथड है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको समझ में आया, तो इसीलिए हम हमें डायलेक्टिक्स को पढ़ना है और हमने पढ़ लिया, ठीक है। सो सोक्रेट्स का यहीं पे जो मेन रोल है गाइस वो यही है कि सोक्रेट्स ने प्लेटो को एक मेथड दिया, ठीक है, कि लो बेटा ये ब्रह्मास्त्र इसको चलाओ, ठीक है, एमओडी मेथड ऑफ डायलेक्टिक दिया। सोक्रेट्स ने फिलोसफिकल ब्रांच स्टार्ट करी जिस पे प्लेटो ने आगे आके अपना क्या एक फाउंडेशन दी, और प्लेटो ने फिर अपना मकान बनाया उस पे, आप समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए सोक्रेट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस, और हमने सोक्रेट्स की जो पहली थ्योरी है उसको हमने समझा, तो उसी थ्योरी को गाइस आगे हम समझते हैं कि क्या होती है वो थ्योरी। सो अभी तक हमने देखा कि जो वो जो जो ट्रू नॉलेज है इसका हमने मीनिंग समझ लिया था कि ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज परमानेंट है और ट्रू नॉलेज इज नेवर चेंजिंग, ठीक है। ट्रू नॉलेज कैसे अराइव होता है, वी अराइव इट थ्रू मेथड ऑफ डायलेक्टिक, ठीक है, एंड ट्रू नॉलेज ही रास्ता है कहाँ, हैप्पीनेस का, ये बताया था नॉलेज वाली थ्योरी ने हमको, ठीक है। अब गाइस आगे प्लेटो आएंगे एंड प्लेटो इसी थ्योरी को उठाएंगे और अब बताएंगे प्लेटो की जो ट्रू नॉलेज है वो कैसे, क्या कमी है, जो एथेंस क्यों वॉर हारा था, ठीक है, तो वो इसी थ्योरी को जस्टिफाई करेंगे, इसी थ्योरी के बेस पे वो अपने मेथड सजेशन देंगे। इसीलिए हमें जो थ्योरी ऑफ नॉलेज जानना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गाइस एक स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सोक्रेट्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। सोक्रेट्स की क्या स्टेटमेंट है, नॉलेज इज वर्च्यू, इस पे आपको आ जाता है एक्सप्लेन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपको ऐसे एक ये प्रीवियस क्वेश्चन में, नॉलेज इज वर्च्यू। सो ये सोक्रेट्स की स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट पे आगे अभी कमेंट करने से पहले गाइस एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, हमने ये बोला था सोक्रेट्स ने, हमने क्या ये सोक्रेट्स ने बोला था कि जो नॉलेज है वो नॉलेज इज परमानेंट, ठीक है। अब नॉलेज इज परमानेंट ठीक है मान लिया, अब अगर नॉलेज परमानेंट है तो इट हैज टू बी अबाउट द थिंग्स विच आर परमानेंट, ठीक है, क्योंकि अगर परमानेंट चीज है तो उन्हीं की नॉलेज तो परमानेंट होगी, ठीक है। अब अगर वो चीज परमानेंट ही नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हो कि वो चीज सही है, वो नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ये टेबल है, इस टेबल पे ये फूड रखा है, ये अभी आलू का पराठा बनाया है, एंड आप बोलोगे वाओ इट इज सो टेस्टी, इट इज सो यमी, क्या ये नॉलेज है गाइस, पक्का आपने क्या सोचा, ये नॉलेज है इट इज सो यमी, इट इज सो टेस्टी, ठीक है, आप बोलोगे ये नॉलेज है गाइस, मेरे पास नॉलेज है। बट सोक्रेट्स क्या बोलेंगे, अच्छा सच में क्या ये सोक्रेट, क्या ये ट्रू, ये तुम्हारी बिल्कुल सही नॉलेज है, वो बोलेंगे इस पराठे को 10 दिन बाद खाओ, अब मुझे बताओ क्या बोलोगे आप कि वाओ इट इज सो यमी, इट इज सो टेस्टी, नहीं भाई अब तो ये पॉइजन हो गया है। तो यही सोक्रेट्स बोलना चाहते हैं गाइस कि परमानेंट चीजों की ही नॉलेज ही परमानेंट होती है, जो हम लोग देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड, इन सब की जो नॉलेज होती है ये सब क्या होते हैं, ये ओपिनियंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके बिलीव्स होते हैं, ये केवल इल्यूजन है। इसीलिए सोक्रेट्स बोलते हैं कि परमानेंट क्या है गाइस, परमानेंट है आइडिया, ठीक है, एक कोई भी चीज है गाइस, कोई भी चीज है। देखिए अब आप समझने की कोशिश करिए, एक होता है हमारे पास फिजिकल जो फॉर्म, ठीक है, और एक होता है मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लो, फॉर्म हो गया आपके पास कुकी बनाने के मोल्ड, एक ढांचा जो सांचा होता है, और मैटर हो गया इसके अंदर से बहुत सारी कुकीज, ठीक है, ये कुकीज। अब गाइज आप खुद बताओ, कुकीज देखो परमानेंट होगी, ठीक है, या फिर ये जो इसका मोल्ड है, ये इसका जो फॉर्म है वो परमानेंट होगा,
तो आपने बिल्कुल सही बोला, फॉर्म परमानेंट है गाइस। मैं चाहूं तो जितनी कुकी है इसके अंदर डाल डाल के बना सकता हूं और कुकी को खा के पेट भर सकता हूं, बट जो ये ढांचा है ये इसको एक्चुअली में शेप दे रहा है। एंड इसी चीज को जो सोक्रेट्स हैं वो बोलते हैं, ये है आइडिया। तो आइडिया की अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको सही नॉलेज आप बोलते हो, तो आपको किसी भी चीज की अगर आइडिया की नॉलेज है तो आपको रियल नॉलेज है। बाकी जो आपकी नॉलेज है वो सब गाइस इल्यूजन है, वो सब फॉल्स है। इसीलिए फॉर सोक्रेट्स गाइस, फॉर सोक्रेट्स ट्रू नॉलेज इज नॉलेज अबाउट आइडिया, इट इज नॉलेज अबाउट फॉर्म। ठीक है गाइस, ये है सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग ट्रू नॉलेज। ठीक है, ट्रू नॉलेज। तो जल्दी से मैं आपको समराइज करता हूं थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या आती है। नॉलेज दो टाइप की है, ओपिनियंस बिलीफ, ठीक है, एंड एक तरफ ट्रू नॉलेज। मिलती कैसे है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स से। होती कैसी है, परमानेंट, ठीक है, एवरलास्टिंग, ठीक है, और आपका परमानेंट एवरलास्टिंग, ठीक है, ये आपकी नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और नॉलेज होती क्या है, ट्रू नॉलेज इज अबाउट नॉलेज ऑफ आइडिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैटर। मैटर के बारे में सही नॉलेज नहीं है, जो सच नॉलेज है वो है आइडिया के बारे में गाइस। तो आई होप गाइस अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए सोक्रेट्स कहते हैं। और ये आइडिया कहां है गाइस, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, ऐसा सोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड में है, जो फिजिकल मैटर में है, मैटर नहीं है भाई सच, आप समझ रहे हैं, वो इसी बात को इशारा कर रहे हैं कि ये सब जित जो मनी है, ठीक है, ये फूड है, और ये जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, ये सब क्या है गाइज, ये मोह माया है। ठीक है, मोह माया है। अब आप समझ रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए, तो मैंने आपको बताया था कि एथेंस क्यों खराब हो रहा था, क्योंकि एथेंस में इनइक्वालिटीज बढ़ रही थी। इनइक्वालिटीज क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि लोग मटीरियलिस्टिक वेल्थ की ओर भाग रहे थे। इसीलिए जब इन्होंने सोचा कि अब मुझे चेंज करना है, तो मुझे नॉलेज की ही डेफिनेशन को चेंज करनी होगी। लोग कार के पीछे भाग रहे थे, लोग फूड के पीछे भाग रहे थे, लोग मनी के पीछे भाग रहे थे, इसकी वजह से एक दूसरे को किल कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट सोसाइटी कैसी हो गई थी वहां की, इनस्टेबल हो गई थी, अनस्टेबल हो गई थी। ठीक है, वहां की सोसाइटी कैसी हो गई थी, डीजेनरेट हो चुकी थी। ठीक है, इट हैड लॉस्ट इट्स प्योरिटी। वहां का सिस्टम कैसा हो गया था, बहुत करप्ट हो गया था। और बस उसका जो फाइनल बम फटा, वो कब फटा, जबकि आपका स्पार्टा ने एथेंस पे अटैक किया। और बस भाई, जब इसका सिस्टम ही इतना घटिया है तो कहां से जीतेगा, हार गया एथेंस। और जबकि एथेंस बहुत बड़ा स्टेट था भाई, एथेंस वाज वन ऑफ द वेरी गुड स्टेट्स। ठीक है, पर भाई जब इतना बड़ा स्टेट ऐसा हार जाएगा तो क्या रीजन था, तो इन्होंने जो देखा उसका रीजन वो करप्शन था। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्लेटो की थ्योरी में, बट आई एम टेलिंग यू, आप लोग सोच लेंगे ना अचानक से हम क्या पढ़ने लग गए ना, हम तो पढ़ रहे थे भाई पॉलिटिकल साइंस यार, और ये कहां से आ गया अचानक से आइडिया, अचानक से स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये ऐसे पूरा बेस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऑल, आप समझ रहे, ऑल टुगेदर एक नया सिस्टम देना है। देवर ट्राइंग टू चैलेंज द हेजमनी। ठीक है, ये बिल्कुल हेजमनी को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, अब किसी ने बिल्कुल जमा रखी है गढ़। अब आप सोचो, ये पेड़ है, अब इस पेड़ को उगाना, और ये पेड़ की रूट्स यहाँ यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये तो पहले इन रूट्स को हटाना जरूरी है ना। आपको दिख रहा है इतना सा पेड़ नहीं है गाइस, ये नीचे इतना सारा और पेड़ है। तो प्लेटो एरिस्टोटल ने यहाँ कटिंग स्टार्ट करी कि भाई मैं पूरा सिस्टम ही बदलूंगा, तुम्हारी जो पूरी नॉलेज है मैं उसी का ही बेस शेक कर दूंगा। और फिर उसके बाद वो माइंड वॉश करने के बाद अपनी करेक्ट नॉलेज देते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा क्या कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तब ये लोग स्टेट के बारे में भी ऐसी बात करेंगे कि सच्चा रूलर कौन होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, जो पैसे के पीछे नहीं भागता, जो पैसे के पीछे नहीं, प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, वो सिर्फ जस्टिस के बारे में बात करता है। ऐसी ऐसी ये बात करेंगे ये लोग, सब आइडिया के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज आइडिया ऑफ अ गुड स्टेट। ठीक है, व्हाट इज आइडिया ऑफ एन आइडियल रूलर, व्हाट इज आइडिया ऑफ अ आइडियल जस्टिस। ठीक है, सब कुछ आइडियल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, व्हाट ऑट टू बी, ये इनका मेन एम है। ठीक है, तुमने सब खराब कर दिया है, अब हम तुम्हें बताएंगे सच्चे बिल्कुल आइडियल क्या है। इसीलिए इस स्कूल को एक बोलते हैं स्कूल ऑफ आइडियलिज्म। समझ में आ रहा है गाइस, स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, यानी जो ये प्लेटो एंड एरिस्टोटल है, ये प्लेटो सोक्रेट्स, प्लेटो एरिस्टोटल, ये सब इस आइडियलिज्म स्कूल के में बिलीव करते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट,
बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, कुछ भी आपको पास हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आइडियल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बट आप जानते हैं परफेक्ट चीज इस दुनिया में क्या एग्जिस्ट करती है? तो नहीं करती। इसीलिए गाइस इनकी जो थ्योरी है अभी हम देखेंगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में प्रैक्टिकल पॉसिबल करने के लिए एक बिल्कुल ही नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी, पूरी अर्थ को खत्म होना पड़ेगा। अभी हम आगे ये सब डिस्कस करेंगे, इनके जो क्रिटिसिज्म है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बट इन लोग को कहते हैं हम आइडियलिज्म। इसीलिए सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं गाइस, अगर आपसे पूछे आइडियलिज्म तो हम कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो प्लेटो एरिस्टोटल की कहानी लिखनी है, सोक्रेट्स इन सब की, ठीक है, इन सब की कहानी लिखनी है। उसमें से भी जो एरिस्टोटल है वो थोड़े रियलिस्ट है, आगे हम पढ़ेंगे वो थोड़े से रियलिस्ट बन जाते हैं, वो देखते हैं कि यार प्लेटो के विचारों में भी थोड़ी थोड़ी कमी है तो वो अपनी नई नई थ्योरी देते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा हमने किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और अब आप लिंक कर पा रहे हैं कि हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हर चीज ये लोग क्या देंगे, ये लोग आइडियल चीज देंगे। दे बिलीव कि बिल्कुल सब कुछ आइडियल होना चाहिए। इसीलिए इनफैक्ट ये लोग तो ये जो जो आइडियलिस्ट होते हैं, हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना था बट आपको बता दूं, जो आइडियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, और एथिक्स है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं, और आज के जमाने में आप किसे बोल दो कि भाई पॉलिटिक्स और एथिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता तो वो हंसेगा आपको, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स बिल्कुल ही अपोजिट है। आपको इसमें कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, आपको इसमें कितना गेम्स खेलने पड़ेंगे, इसमें आपको कितना लोगों को बैक स्टैप करना पड़ेगा, ठीक है, आज की पॉलिटिक्स में, ठीक है। और एथिक्स में, एथिक्स में तो भाई मॉरल्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज होती है, ऑनेस्टी होती है, इंटीग्रिटी होती है। तो उसके जमाने उस टाइम वो जमाने में ऐसी बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या कोई आपको इंडियन थिंकर ऐसा दिख रहा है जिसने ऐसी बात करी हो मॉरल्स वैल्यूज ऑनेस्टी की पॉलिटिक्स में? जी हाँ गाइस, आपने भी सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा गाइस। और अभी हम लोगों ने कल परसों ही उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी बनाई है, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने भी गाइस ऐसी आइडियलिज्म की ही बात करी थी, ठीक है। जस्ट आई एम टेलिंग यू, इनका अधिकतर कंपैरिजन जो होता है इंडिया में, ठीक है, वो गांधी से होता है। एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सबके थॉट्स गांधी से कंपेयर किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन, अभी हम आगे देखेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि उनके थॉट्स भी बहुत आइडियलिज्म थे। वो जैसा बिलीव करते थे वो आज के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट स्टिल हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट कुछ परसेंट तो झलक दिखे, ये हमारा गोल होता है कि वी वॉन्ट टू बिकम एज क्लोज टू दैट आइडियल गोल, ठीक है गाइस। ये हमारा पहला जो प्लेटो का लेक्चर है ये यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास से गाइज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो प्लेटो की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, नॉलेज इज वर्च्यू। ये आपको गाइज लिखना है इन 200 वर्ड्स, क्या आप समझते हैं नॉलेज इन वर्च्यू? और ये सोक्रेट्स का है गाइज, तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स बताना है अपने आप, मत कह देना कि भाई नॉलेज इज एक्स, नॉलेज इज वाई। ना 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 ना, वी आर नॉट आस्किंग अकॉर्डिंग टू यू, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन व्हाट सोक्रेट सेड एंड व्हाई ही सेड सो, ठीक है गाइस, समझ में आया? सो नेक्स्ट क्लास से हम प्लेटो की पहली थ्योरी को समझेंगे, थ्योरी ऑफ आइडियाज को, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ, प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व, दिस इज मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।